दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बालिका में देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में नकल रोकने की तैयारी। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश के समय में किया गया बदलाव। जी हां देखिए बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अब केंद्र में आधे घंटे पहले प्रवेश करना होगा। यह बदलाव कदाचार को रोकने के लिए किया गया है। वहीं देखिए इसको लेकर समिति के सचिव ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले प्रथम पाली की परीक्षा के लिए 9 बजे तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी तथा 1:45 से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 1:15 तक ही प्रवेश कराया जाएगा। वही देखिए आगे उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय के बाद आने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सचिव ने कहा कि परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक करने की व्यवस्था की गई थी जिसमें संशोधन कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी जिला अधिकारी व मजिस्ट्रेट को दे दी गई है। परीक्षा तिथि की बात करें तो 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी को परीक्षा होने वाली है। बड़ी खबर में देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में अब रिकॉर्ड पदों पर होगी भर्ती। आयोग ने पदों की संख्या में की है बढ़ोतरी। मार्च में होगी परीक्षा। जहां देखिए कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की भर्ती पदों की संख्या में 20,000 से बढ़ाकर 27,409 कर दी है। एसएससी ने पदों को बढ़ा दिया है। एसएससी के इतिहास में पहली बार कभी भी सीजीएल में इतने अधिक पदों पर भर्ती नहीं हुई है। आमतौर पर सीजीएल में 8,000 से 9,000 पदों पर भर्ती होती थी। आयोग ने रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसका अंतिम रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो सकता है। टियर 1 परीक्षा दिसंबर में हो चुकी है। वहीं टियर 2 परीक्षा मार्च में कराए जाने की तैयारी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2022 का विज्ञापन 17 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। तब 35 विभागों में 20,000 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे। इसके लिए देश भर से करीब 31 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। बड़े घर में देखिए जेई मेन में बिहार के सैकड़ों स्टूडेंट का रहा बेहतर रिजल्ट। पटना के आनंद को मिले 99.97%। जहाँ देखिए जेई मेन की पहले सत्र की परीक्षा में बिहार के स्टूडेंट का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। कई स्टूडेंट को 99.99% अंक प्राप्त हुआ है। केंद्रीय विद्यालय बेले रोड के छात्र उत्कर्ष आनंद को 99.9787% प्राप्त हुआ है। वहीं बक्सर के आयुष कुमार सिंह ने 99.92% अंक प्राप्त किया है। इसी तरह कई छात्रों ने 99 से अधिक परसेंटाइल प्राप्त किया है। वहीं देखिए एक्सपर्ट ने बताया कि इस वर्ष जेई मेन परीक्षा देने के 2 विकल्प स्टूडेंट के पास है। ऐसे स्टूडेंट जिनका जनवरी जेई मेन परसेंटाइल 99.5 से अधिक है उन स्टूडेंट को जेई एडवांस की परीक्षा की तैयारी पूरे फोकस के साथ करनी चाहिए क्योंकि उनकी इस परसेंटाइल पर अच्छे NIT में कोर ब्रांचेज मिलने का विकल्प सुरक्षित हो सकता है। वहीं 99.5 से 98.5% स्कोर के मध्य आने वाले स्टूडेंट सुविधा अनुसार जेई मेन दे सकते हैं अथवा एडवांस की तैयारी में लग जाना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिनका परसेंटाइल 98.5 से कम है इन्हें जेई मेन अप्रैल के साथ साथ एडवांस की तैयारी भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये सुझाव कैटेगरी के अनुसार बदल सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली जल्द। 50% पदों पर सीधी नियुक्ति। प्रशासन को भेजी गई नियमावली। जी देखिए बिहार में सभी तरह के शिक्षक की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रस्तावित नियमावली की खास बात यह होगी कि रिक्त पदों में से 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश 2 गुना कर दिया गया है। वहीं देखिए शिक्षा मंत्री के अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन वित्त और विधि विभाग को भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही की होली से पहले कैबिनेट हर हाल में शिक्षक नियमावली हरी झंडी दे दी है। जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्तियों और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्तों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। बड़ी खबर में देखिए केवल 2 महीने के इंतजार और अप्रैल में बिहार को मिलेगी 3 वंदे भारत ट्रेन। जी हां देखिए बिहार के लोगों को जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने का सपना साकार होगा। बताया जा रहा है कि अप्रैल से बिहार के कई रूटों पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस साल के आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसको लेकर बड़ी घोषणा की थी। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक एक वंदे भारत ट्रेन पटना से हावड़ा चलेगी, वहीं दूसरी झारखंड की राजधानी रांची से पटना के लिए चलेगी, जबकि तीसरी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन वाराणसी से हावड़ा के लिए चलेगी। इसका स्टॉपेज गया रेलवे स्टेशन पर भी होगा।
केंद्र सरकार के इस घोषणा से यात्रियों के साथ रेलवे कर्मचारियों में भी काफी उत्साह है। बता दें कि पटना से रांची के बीच चलाए जा रहे वंदे भारत ट्रेन से केवल 4 घंटे में तय किया जा सकता है। अभी पटना रांची जनशताब्दी ट्रेन में यात्रियों को कम से कम 8 घंटे का सफर करना पड़ता है। इसके साथ ही वाराणसी से हावड़ा के बीच शुरू हो रहे वंदे भारत से उत्तर प्रदेश से बंगाल जाने वाले और बिहार से गया के हावड़ा जाने वाले लोगों की खास सुविधा होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब वाहनों के चलान के दौरान नहीं होगा हंगामा, सीसीटीवी की निगरानी में होगी गाड़ियों की जांच। जी हां, देखिए बिहार में सड़क सुरक्षा नियम के तहत वाहनों की जांच बढ़ी है। इस कारण यातायात पुलिस, जिला परिवहन एवं वाहन चालकों के बीच नोकझोंक भी बढ़ा है। इस मामले में परिवहन विभाग तक बार बार शिकायत पहुँचने के बाद विभाग ने अब निर्णय लिया है कि वाहनों का चलान सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में की जाएगी। इसको लेकर जल्द ही विभाग सभी डीएम को दिशा निर्देश भेजेगा ताकि पुलिस पब्लिक के बीच चलान काटने के दौरान हंगामा नहीं हो। अधिकारियों के मुताबिक मार्च से इस नियम का पालन सख्ती से किया जाएगा। और देखिये, परिवहन अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले शहरों से इसकी शुरुआत की जाएगी। जिलों के सभी प्रमुख शहरों से इस नियम का पालन होगा। जहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा वहीं चलान काटा जाएगा ताकि जुर्माने की राशि कैमरे में कैद हो सके। बड़ी खबर में देखिए, मुंगेर में नीतीश की समाधान यात्रा, 96 एकड़ में बने वानिकी महाविद्यालय का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। जी हां, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम नीतीश जमालपुर प्रखंड स्थित बाक पंचायत के गुलालपुर गाँव भी गए, जहाँ उन्होंने गाँव का भ्रमण किया। उसके बाद उस गाँव में 16 लाख की लागत से बने मुंगेर का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट का उद्घाटन किया। वहीं पाल हाउस में बेड के उन कंबल बनाने वाले विद्युत चलित हस्तकर्ता जीविका की बहनों को सौंपा और 96 एकड़ में बने वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन भी किया। बता दें कि इस कॉलेज का शिलान्यास 25 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और आज 3 साल बाद नीतीश कुमार के हाथों इस कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कॉलेज पर्यावरण और कृषि शिक्षा का आधुनिक केंद्र है। इसकी सुंदरता और व्यवस्था देखते ही बनती है। वानिकी कॉलेज में MSc फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री, MSc पर्यावरण विज्ञान में सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होगी, साथ ही शोधकर्ता यहां शोध भी कर सकेंगे। बड़ी खबर में देखिए, नगर निगम का बड़ा फैसला, अब आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी, 1 करोड़ खर्च करेगी बिहार सरकार। जी देखिए, अब बिहार में कुत्तों की नसबंदी होगी। आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा अब आवारा कुत्तों की नसबंदी कराई जाएगी। इसे लेकर सरकार 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर नगर निगम पहली बार आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने जा रहा है। 1 करोड़ रुपए का बजट भी इस मद में पास हुआ है। मुजफ्फरपुर की महापौर से जब इस संबंध में बात की गई तब उन्होंने बताया कि योजना पहले से भी है। उन्होंने कहा कि रोड में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, मधेपुरा में बोले तेजस्वी, वादे के मुताबिक 10 लाख नौकरी हम देकर रहेंगे। जी देखिए, मधेपुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने उस वादे को याद दिलाते हुए लोगों से कहा कि वादे के मुताबिक 10 लाख नौकरी हम राज्य के युवाओं को देकर रहेंगे। हमने जो वादा किया था वो अब पूरा हो भी रहा है। शिक्षा विभाग में 3 लाख और स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 रिक्तियां निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने पूरे राज्यों की जनता तथा युवाओं से वादा किया था कि 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। वह सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बिहार में फिलहाल शिक्षा विभाग में 3 लाख रिक्तियां निकल रही है। आम बात यह है कि आपके मधुपुरा के शिक्षा मंत्री भी है जो विभाग के सभी रिक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी 1,60,000 रिक्तियां निकाली जा रही है। हम वादे के मुताबिक 10 लाख युवाओं को नौकरी देकर ही रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, मरीन ड्राइव पर मोटे अनाज के व्यंजनों का लगेगा मेला। जी हां, देखिए पटना के मरीन ड्राइव पर 20 से 26 फरवरी के बीच मिलेट मेला लगेगा। इस मेले में मोटे अनाजों से बने वाली खाद्य सामग्री को स्टॉल लगेगा। यहां लोग मड़ुआ, रागी, ज्वार, बाजरा, जौ और मक्का जैसे मोटे अनाजों से बने सैकड़ों व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही इन व्यंजनों को बनाने का गौर भी विशेषज्ञों से जानेंगे। मेले का आयोजन खाद्य सुरक्षा विभाग कर रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने मोटा अनाज और सेहत थीमें जारी की है। खेती में भी प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, नेहरू पद से अटल पद जाने वाले सर्विस लेन 10 से होगी बंद। जी देखिए, हड़ताली मोड़ स्थित नेहरू पद से अटल पद जाने वाली सर्विस लेन 10 फरवरी की रात से अगले 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगी। वहीं 6 से 8 मीटर चौड़ा नाला और अंडरग्राउंड यूटर्न का निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य प्रभावित ना हो इसीलिए नेहरू पद से अटल पद की सर्विस लेन से दीघा की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। यातायात सुचारू रूप से चले इसके लिए वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं। इसके जरिए नेहरू पद से अटल पद आ जा सकते हैं। दीघा की ओर
फ्लाईओवर से अटल पद से आने वाले बड़े वाहनों को सर्विस लेन की बजाय अब फ्लाईओवर से आर ब्लॉक जाना होगा। वहीं नेहरू पद आने के लिए ऐसे वाहन ब्लॉक से यू टर्न लेकर आ सकते हैं। खबर में देखिए, बिहार में जमीन दलाल नहीं बना सकेंगे बेवकूफ, नक्शा के रंग से पता चल जाएगा जमीन विवादित है या नहीं, जाने पूरी बात। जी देखिए, जमीन खरीदते समय अब किसी के साथ धोखा नहीं होगा। विवाद की स्थिति में पुलिस कंप्यूटर पर एक यह जान लेगी कि उसके थाना क्षेत्र में किस रकबा के किस खेसरा में कौन प्लॉट विवादित है और कौन नहीं। जमीन की GIS मैपिंग में जमीन और उसके विवाद की प्रकृति को रंग के आधार पर दिखाया जाएगा। इसमें लाल, पीला और हरा रंग का प्रयोग होगा। नक्शा में लाल रंग का मतलब होगा कि जमीन नहीं खरीदनी है, इस पर विवाद है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद ने दिशा निर्देश जारी किया है। उनके आदेश पर वो समाधान पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब OBC छात्राएं भी कर सकेंगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी। जी हाँ देखिए, राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को न केवल बेहतर स्कूली शिक्षा मुहैया करवाएगी बल्कि उन्हें मेडिकल इंजीनियरिंग में जाने का अवसर भी उपलब्ध कराएगी। इन छात्राओं को अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में अब मेडिकल इंजीनियरिंग की भी तैयारी करवाई जाएगी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि कुछ स्थानों पर इसे प्रयोग के तौर पर अपनाया भी गया है। इसे सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में लागू किया जाएगा। इसका लाभ भौतिकी, रसायन, गणित व जीव विज्ञान के छात्राओं को मिलेगा। इस समय 11 जिले में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। इस समय पटना, मोकामा, गया, सासाराम, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय स्थापित है। इन्हीं विद्यालयों में अब मेडिकल इंजीनियरिंग की भी तैयारी की व्यवस्था की गई है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।